हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता। उसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था वो पढ़ा। इसमें हमने देखा कि हमारा जो है ये मोहनजोदड़ो वाला इलाका था, ये हमारा यहाँ पर हड़प्पा था, ये रावी नदी पर हमारा, ये रावी नदी है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा था, और ये हमारी सिंधु नदी आ रही है, ठीक है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो है। ये रावी, ये देखिए ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी, यहाँ पे झेलम है, चिनाव है, ठीक है, और ये सतलज है, ठीक है। ये सारी नदियाँ, एक दो तीन चार, ये सारी नदियाँ जो हैं, सारी नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ये सारी नदियाँ मिलके जो है ये सिंधु नदी में आके यहाँ पे सब मिल जाती हैं। फिर यहाँ से ये सिंधु नदी जो है होते होते, ये इस तरह आते हुए सिंधु नदी यहाँ पे इस जगह जो है आके अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो आपका है था, जो कि सिंधु नदी के किनारे था, और यहाँ पे आपका हड़प्पा था जो कि रावी नदी के किनारे बताया गया है, ठीक है। और ये पूरा इलाका जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, ये सूत कोडिगा डिगे है, ये जो लास्ट वाला था यह मांडो था, ठीक है, कश्मीर में सबसे लास्ट वाला, नॉर्थ, ये वेस्ट वाला इलाका, ये नॉर्थ वाला इलाका, फिर ये आलमगीर वाला इलाका यहाँ पे था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गुजरात में जो है आपका रंगपुर था, इन सब बारों में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सारी चीजें यहाँ से होते हुए यहाँ रंगपुर, यहाँ ये रंगपुर पर लोथल था पहले, ये यहाँ पे बंदरगाह थे, यहाँ पे यहाँ तक सब समुद्र है, उसके बाद फिर यहाँ तक आके ये दायनाबाद तक इसका फैलाव था, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ था। ये सारा पूरा इलाका, इस सब के बारे में पढ़ा कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फैलाव की बात, कि वहाँ के लोगों की टाउन प्लानिंग क्या थी, कैसे उनके शहर कैसे थे, मतलब उनकी बस्तियाँ कैसी थी। तो अर्बन बस्ती थी जो कि दो भागों में डिवाइडेड थी, एक ऊपरी भाग जिसको सिटाडेल कहते थे, निचली भाग जिसको जहाँ पे लोग रहते थे ऊपर वाले सिटाडेल, उसके बारे में पढ़ा, और दोनों में क्या क्या चीज़ें होती वो हमने पढ़ा। फिर थर्ड हम लोगों ने पढ़ा क्या कहते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, इकोनॉमिक लाइफ में मतलब लोग क्या कौन सा व्यापार करते थे, उनके काम धंधे क्या थे, रोजगार क्या थे, तो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, ये सारी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से फसलें उगाया करते थे, कौन कौन से काम करते थे, ये सारे के में हम लोगों ने डिस्कस किया, उनको इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, रिलीजियंस लाइफ क्या थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो क्या कहते हैं देवियों की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, और उनके एक भगवान थे पशुपति, शिव आकार के थे, जिसका ऊपरी वाला हिस्सा बैल की तरह था और बाकी सर इंसान की तरह था। ये सारी चीज़ों की हम उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ा। फिर उनकी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, बोधोस्ट्रो फेडन स्क्रिप्ट उनकी थी जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई, ठीक है, बुदोस्ट्रो फेडन स्क्रिप्ट थी, पढ़ी नहीं गई, और वो चित पिक्चोग्राफी थी, मतलब उसमें पिक्चर हुआ करते थे पिक्चरों के रूम। और उसमें ये भी हमने पढ़ा कि पहले से लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट उनकी स्क्रिप्ट होती थी, इस तरह स्क्रिप्ट उनकी थी, इस तरह लिखते थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि वहाँ पे क्या कोई राजनीतिक संस्थाएं थी जो कि इतने बड़े टाउन प्लानिंग को चलाती थी, तो उसमें ये पता लगा कि इस तरह की कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी। हाँ, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था जो कि शहरों की देखभाल करता था, वहाँ के लोग ज़्यादातर व्यापारी थे, और उनको चलाने के लिए व्यापारियों का एक कॉरपोरेशन था, ये सब बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि मोहनजोदड़ो के जो और आसपास जो है और क्या क्या चीजें थी, वहां पे क्या क्या मिले थे। तो मोहनजोदड़ो में हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या था, ग्रेनरी थी, असेंबली हाल, कपड़ा बुनने था,
पस्पोसिव मिले, सील मिली मतलब मोहरे मिली, ये सारी बॉन्ज ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली थी, और एक इंसान मिला था जिसके पास दाढ़ियाँ थी, ठीक है। फिर लोथल से हमको मिला था क्या कहते हैं राइस के या धान की खेती के, फिर एक जगह हमको दो कपल के गड़े हुए मिले, दो कपल एक साथ गड़े हुए मिले थे। फिर ये बात होती कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, ये था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग 1000 साल तक चली, तो लोगों ने बताया हो सकता है आर्यन सभ्यता के लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया हो, इसके कारण वो लोग वहां छोड़ के चले गए, या तो बार बार बाढ़ आ रही थी उसके कारण, या तो लोगों में आपस में बिखराव हो गया हो किसी कारणवश, या भूकंप आया हो, ये सारे कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। अब इसके बाद हम लोग दूसरी सभ्यता की बात करते हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहला हमारा ओल्ड एज सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा था, पहला हम लोग ओल्ड एज सिविलाइजेशन पढ़े थे, ठीक है। पहला हम लोग ओल्ड एज सिविलाइजेशन हमारी थी, ठीक है, एज सिविलाइजेशन थी। दूसरा हमारा ये हड़प्पा थी, ठीक है, हड़प्पा हम लोग पढ़ा। अब तीसरा हमारा ये हमारा इसको हम तीसरी तीसरा कह सकते हैं, ये हमारा आयरन एज सिविलाइजेशन। आयरन एज सिविलाइजेशन क्या है और बाकी दो सभ्यताओं से ये क्या अंतर है? तो सबसे पहला मेन अंतर जो कि हम देख रहे हैं कि पहले को हम लोगों ने नाम दिया था स्टोन एज सिविलाइजेशन, मतलब किस चीजों का इस्तेमाल करके लोग अपने क्रियाकलाप करते थे। पहला तो पत्थर युग था, स्टोन एज था। दूसरा ब्रोंज युग, ठीक है, ब्रोंज था, कांसा जिसको कहते हैं हिंदी में ब्रोंज एज, कि वहां के लोगों को कांसे का उपयोग करके अपनी सारी एक्टिविटीज करते थे। अब यहां पे तीसरे में जो क्या आया आयरन, अब लोगों को जो है लोहे की खोज हो गई थी। इस पीरियड को लोहे आयरन एज कहा गया क्योंकि इस समय लोग लोहे का इस्तेमाल करना सीख गए थे, इसलिए इसको आयरन एज बोलते हैं। तो कहने का मतलब तीनों चीजों को हम उसके प्रयोग करने वाले धातु किया, उस समय कौन से औजार किसके बने औजार यूज होते थे उसी के बेसिस पे हमने सभ्यता का डिवीजन किया। पहला हमने स्टोन एज किया, दूसरा हमने ब्राउन एज किया, तीसरा हम आयरन एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हम देखेंगे कि आयरन एज में क्या लोगों में डिफरेंस आया, उनके रहन सहन में क्या परिवर्तन आया, क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सारे चीज हम इस एज में पढ़ेंगे, दैट इज थर्ड आयरन एज सिविलाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एर्लियर वैदिक एज भी बोलते हैं। आयरन एज को क्या कहते हैं, एर्लियर शुरुआत में वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं, वैदिक काल। द वैदिक एज बिगेन इन इंडिया अबाउट 2000 BC, 2000 BC में आयरन एज की सभ्यता का शुरुआत होती है, जब विद द कमिंग ऑफ आयरन आर्यन आर्यन आए थे, आर्य लोग आए थे, उनको आर्यन बोले, आर्यन लोग उधर स्टोन एज वालों को, ठीक है, इनको आर्यन बोले, आर्यन आयरन एज सभ्यता वाले रहने वाले इंसानों को क्या बोला, आर्यन एज बोला, आर्य बोला गया। जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस आर समवेयर इन द एरिया ईस्ट ऑफ आल्प्स, ईस्ट ऑफ आल्प्स जो कि यूरोप में पड़ता है, इन द रीजन ऑफ कैस्पियन सी और साउथर्न रशियन स्टेपीज। तो कहने का मतलब है ये बता रहे हैं कि लोगों का ये विश्वास है कि आर्य लोग जो है आल्प्स पर्वत से आए जो कि यूरोप में पड़ता है, ठीक है, आल्प्स पर्वत में आए। इसके मैप पे हम लोग कल ज्यादा अच्छे से इसका मैप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा एक बार आउटलाइन ले लें, ठीक है। तो आल्प्स रीजन से आए थे, ठीक है, वहां पे कैस्पियन सागर भी है, और ये जो है रूस का जो है निचला वाला हिस्सा, स्टेपीज क्या है, ये स्टेपीज एरिया होता है जहां घास के मैदान होते हैं, तो ज्योग्राफी में भी स्टेपीज वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आर्यन ये बताते हैं कि आर्य लोग जो वहीं से आए थे, ठीक है, वहां से आके फिर यहां इंडिया की तरफ बढ़े थे।
ये लोग बता रहे हैं, जनरल ओपिनियन है, अब 100% सही है कि नहीं ये एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि इस पे कई मतभेद हैं। कोई लोग कहते हैं आर्यन यहीं से आए, कोई कहे वहां से आए, तो बाल गंगाधर तिलक बताते हैं आर्यन तो अटलांटिक से आए थे, तो बहुत लोगों के अलग अलग विश्वास हैं। उसमें सही क्या है अभी एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि आर्यन कहाँ से आए थे। कमिंग ऑफ आर्यन टू इंडिया, अब बता रहे हैं क्या, द अर्लिएस्ट आर्यन वेव इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऋग वैदिक पीपुल। तो कहने के बाद ऋग वैदिक पीपुल को ही शुरुआत में आर्यन बोलते हैं, ठीक है, ऋग वैदिक पीपुल, ऐसे इंसान जिस समय ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद लिखा गया था या उसको संग्रहित किया गया था, ठीक है, हु अपेयर्ड अबाउट सब कॉन्टिनेंट 1500 BC। तो कहने के बाद 1500 BC के आसपास की बात है, लेकिन यहाँ पे 2000 कह रहे हैं, 2000 BC में शुरुआत होती है, लेकिन आर्यन के बारे में फिर कह रहे हैं कि लगभग 1500 BC के आसपास जो है आर्यन, उस समय ऋग्वेद पीरियड है, क्योंकि उसमें ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वेद की संरचना की गई थी, इसलिए उस समय को ऋग्वेदिक पीरियड भी कह देते हैं। वैसे भी आयरन एज को वैदिक पीरियड कहते हैं, अर्लियर वैदिक पीरियड। तो ये जान के रखिएगा कि तीनों आयरन एज, आर्य और वैदिक एज तीनों एक ही हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। उस समय आयरन की शुरुआत हुई थी, उसी समय वेदों की रचना हुई थी, और उसी समय आर्य जो है भारत आए थे, तो तीनों एक ही चीज है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करिए, ठीक है। दे कम इन कंफ्लिक्ट विथ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट कॉल्ड द्रविड़ियन, ठीक है। तो कहने के बाद शुरुआत द्रविड़ियन मेंशन एस दसास आर दसु इन वेदिक। ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि आर्यन जब आए इंडिया में, उस समय जब आए, तो आने के बाद क्या हुआ था कि उनका वहां के इंडिजिनस, वहां के जो पहले से रहने वाले लोगों से कन्फ्लिक्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ कि वहां से रहने वालों लोगों से जो है लड़ाई हुई आपस में, और जो इंडिजिनस पीपुल थे उनको ऋग्वेद में द्रविड़ियन कहा गया, जिसको दासाज या दस्सूज भी कहा गया, मतलब उनको द्रविड़ियन भी नाम दिया गया। जो वहां पे आर्यन आने से पहले वहां की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, उनको ऋग्वेद में द्रविड़ियन कहा गया। द्रविड़ियन साउथ इंडिया का क्षेत्र आता है, आज भी द्रविड़ कंट्री बोला जाता है, जिसमें तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये इलाका को बोला जाता है। द्रविड़ियन उनको कहा गया, उनको दूसरा नाम उनको दस्सू बोला गया या दस्सूज बोला गया। तो आर्यन जो है आए और उनका जो है वहां के इंडिजिनस पीपुल से टकराव हुआ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब आर्यन कहाँ कहाँ फैले थे, पहले पार्ट में तो हमने ये देखा कि आर्यन जो है शायद सेंट्रल इंडिया से आए थे, आल्प्स पर्वत के पास, कैस्पियन सी के पास, या रसिया के स्टेपीज के पास से आए थे। तो अब आए और उस समय ऋग्वेद की रचना किया उन्होंने लोगों ने, और आयरन एज की शुरुआत भी उस समय हुई, लगभग 2000 से 1500 के बीच की ये बात है, जिसको अर्लियर वैदिक पीरियड बोला गया, वेद का शुरुआत बोला गया। और जब वो वहां आए तो यहाँ के लोकल लोग थे, जो वहां के इंडिजिनियस मतलब वहां के खुद वहीं के रहने वाले लोग, लोकल लोग, उनसे उनका टकराव हुआ, और वह पीपुल जो ऋग्वेद लिखा गया था, आर्यों के द्वारा ऋग्वेद रचना की गई थी, तो ऋग्वेद में जो वहां के लोकल लोगों को क्या नाम दिया गया, द्रविड़ियन कहा गया या दस्सू कहा गया, ये ऐसे नाम दिए गए। अब दूसरा आर्यन एज में, आर्यन एज कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था ये बात इसमें करते हैं। तो आर्यन कॉल्ड देयर एरिया एज सप्त सिंधु, उन्होंने कहा, आर्यन ने क्या कहा, उन अपने एरिया को क्या सात नदियों का क्षेत्र बोला, सेवन रिवर। आर्यन कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु, वहां पे था इंडस, झेलम, रावी, चिनाव, बेस, सतलज और सरस्वती। तो ये सात नदियों का जो क्षेत्र था वहां, उस एरिया को आर्यों ने कहा कि आर्यों ने का जो एरिया था, हम पिछले वाले शुरुआत में ही दिखाया था, जो हड़प्पा वाला क्षेत्र था, सिंधु नदी के किनारे वाला जो पूरा इलाका था, पांच नदियां हमने दिखाए थे, ठीक है, पांच, तो हमने इंडस, झेलम, रावी, चिनाव, बेस नहीं बात की थी, सतलज की बात की थी, फिर उन्होंने
वहीं पे बेस भी है। फिर सरस्वती एक नदी है, उसका भी जिक्र वो करते हैं कि यहाँ तक जो है आर्यों फैला था उनका। अब ये जो नदियां हैं, जो नदियों की बात है, और आज पुरानी नदियां हैं, उनका पुराना नाम क्या था, ठीक है, नया नाम क्या है। तो सिंध जो नदी पुरानी थी, आज उसको बोलते हैं इंडस बोलते हैं, सिंध सिंध को इंडस बोलते हैं। गोमल को गोमती बोलते हैं, जो हम ऋग्वेद में इस नदियों का जिक्र करते हैं वहां मिला था, गोमल को गोमती बोलते हैं। सरस्वती को ये हम सरस्वती आज बोलते हैं, सूरस्तु बोलते थे पहले, पुराना नाम सरस्वती का पुराना नाम सूरस्तु था जो ऋग्वेद में मिलता है। इसी तरह इंडस का नाम सिंध था, गोमती का नाम गोमल था। फिर हमारा काबुल एक नदी है जो कि कुंभा बोलते थे, ये ऋग्वेद में नए और पुराने नाम हैं, थोड़ा याद रखना रखा जाता है कि काबुल नदी को जो है कुम्मा ऋग्वेद में कहा गया। वितस्ता जो था उसको आज वितस्ता पुराना नाम था, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, झेलम नदी। अस्किनी चेनाव नदी जो थी उसको अस्किनी बोलते थे आर्यन लोग। रावी को परुष्णी बोलते थे, परुष्णी रावी को बोलते थे। बेस को बिपाशा बोलते थे, और सतलज को सतुद्री बोलते थे। तो ये सारी जो नदियां हैं उनके नए और पुराने नाम हैं, ये सारे नदियों के जो है नए पुराने नाम थे जो आर्यन लोग बोलते थे। आर्यन लोग जो उसके नाम थे वो ये था, ये सारी नदियां थी। तो सिंधु को सिंध नदी पुराना नाम है, नया नाम इंडस है। इसी तरह गोमती नया नाम है, पुराना नाम गोमल है। सरस्वती नया नाम है, पुराना नाम सूरस्तु था। काबुल अफगानिस्तान में ये नदी पड़ती है, उसका नाम कुंभा था। झेलम का पुराना नाम बितस्ता था। चिनाव का पुराना नाम अस्किनी था, और रावी का पुराना नाम पारुसनी था। अब बेस का पुराना नाम बिपाशा था, और सतलज का पुराना नाम सत्योद्री था। तो ये सारी नए और पुराने नदियों के नाम थे जो कि ऋग्वेद में मिलते हैं। अब ऋग्वेद का जो राजनीतिक संगठन था, ऋग्वेद के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन था, लोगों का संगठन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो जनरली किसी सभ्यता के बारे में जानने के लिए हम वहां के लोगों के रहन सहन के जाने में एक दूसरे से कैसे करते थे, तो ये सारी पॉलिटिकल लाइफ जानते हैं, उनकी इकोनॉमिक लाइफ जानते हैं, समझते हैं। फिर उनका क्या कहते हैं, उनका धार्मिक विश्वास था, उनके लिखे हुए चीजें क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में हम किसी भी आदमी के बारे में ये सारी चीजें जानते हों जानते हैं ये सब जानते हैं तभी हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो लोग कैसे थे, क्या था, कितना उनका विकास हुआ था, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर भी जैसे पहले भी हम लोग पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कहा था कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, वहां कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, शायद व्यापारियों का वो संगठन था, ये था। तो यहाँ पे और उसमें और इसमें दोनों के पॉलिटिकल लाइफ में क्या अंतर था। ओल्ड हम लोग जब स्टोन एज की बात की तो वहां पे लोग धीरे धीरे गांव में रहने लगे थे, गांव में रहना शुरू कर दिए थे, कबीलों में रहना शुरू कर दिए थे। फिर यहाँ पे एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जो कि व्यापारियों के द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना के जो वहां पे सिविल एमिनिटीज थी उसका वो व्यवस्था करते थे, और इसमें थोड़ा सा अंतर हुआ। यहाँ पे क्या होता है ये थोड़ा हमें समझना है, यहाँ उन दोनों से इसमें क्या डिफरेंस था। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द आर्यन इन द वैदिक पीरियड वर्क विद द ट्राइबल चीफ इन द सेंटर। द हेड ऑफ ट्राइब वार कॉल्ड राजन, हिज पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। कहने का मतलब अब यहाँ पे एक जो है व्यापारिक जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है यहाँ का, उसको चलाने के लिए क्या था कि वहां पे एक ट्राइबल चीफ था, उनका ट्राइब मतलब उनकी जो जनजाति थी उनका एक अपना हेड हुआ करता था, वो हेड था, उस हेड को बोलते हैं राजन बोलते थे, जो उनका हेड था। बाद में ये राजा हुआ, महाराजा हो गया, किंग हो गया, तो
और यह जो पोस्ट थी हेरेडिटरी थी, मतलब वंशानुगत थी। एक राजन का लड़का जो है दूसरा राजन बनता था, वही अपने ट्राइब का, अपने जो कबीले का, इसको भी कबीला ही कह सकते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र था, ऑर्गेनाइजेशन था, तो राजन होता था। सेवरल ट्राइबल असेंबली, कहने का मतलब उसके बाद कई सभाएं होती थी, उसको उनको सभा बोलते थे, समिति बोलते थे, विधाता बोलते थे, गण हैव बीन मेंशन इट, कहने का मतलब वहां कई असेंबलियों की, जो लोगों का समूह होता था उनको सभा, समिति, विधाता, गण, इस तरह तीन चार शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ये ऋग्वेदिक पीरियड थे, उस समय के लोगों के बारे में ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन चार वेद होते थे, इसके बारे में मैं और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद होते थे उस समय। जो शुरुआत में सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद होता है, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था। तो उस समय के लोगों के बारे में हमको ज्यादातर जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो क्या कहने, ट्राइबल असेंबली वासकार्ड समिति, जो उनके सभा होती थी, जो जनसभा होती थी जहां पे सभी लोग मिलते थे, उस सभा को क्या बोलते थे, समिति बोलते थे। इवन वुमेन अटेंडेंट द सभा एंड विधाता इन ऋग्वेदिक टाइम, कहने का मतलब औरतें भी उनके सभा और विधाता दो तरह की जो उनकी असेंबली होती थी उसमें औरतें भी शामिल होती थी। इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वाज असिस्टेड बाय फ्यू फंक्शनरी, तो कहने का मतलब उनके रोजमर्रा की जमीन काम करने के लिए क्या, एक राजा था और राजा को सहायता करने के लिए और कुछ लोग होते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी सीम टू हैव बीन पुरोहित, कहने के मतलब उन जो उसको सहायता करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था, पुरोहित होता था। पुरोहित जो है राजा को मंत्री जैसा काम करता था, राजा के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ये था। फिर क्या था, ऋग्वेदिक लोगों में काऊ जो है बहुत इम्पोर्टेंट, गाय का बहुत महत्व था ऋग लोगों के लाइफ में, ठीक है। द टर्म फॉर वारिंग ऋग्वेदिक इस गवेस्थी सर्च ऑफ काऊ, कहने का मतलब वहां पे एक एक वर्ड था गवेस्थी, उसका पूरा नाम क्या था, सर्च फॉर काऊ। तो जनरली वहां के लोग लड़ाई को गवस्थी बोलते थे, और गवस्थी का मतलब जनरली गाय की जो है खोज होती थी। तो जनरली उनके गाय उनका इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो ज्यादातर वो गाय, उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी गाय को ही पाने के लिए हुआ करती थी। तो ऋग्वेद मेंशन सच आर्टिसन, ऋग्वेद में ऐसे आर्टिसन काम करने वालों का जिक्र था, जैसे कारपेंटर, चैरियोट में, कारपेंटर मतलब बढ़ई, चैरियोट में रथ वगैरह जो बनाते थे, वीवर थे जो कपड़ा बुनते थे, लेदर वर्क जो चमड़े का कार्य करते थे, ठीक है, वर्क, और पोर्टर थे जो कि बर्तन बनाते थे। द टर्म आयास, आयास एक टर्म यूज हुआ है, यूज फॉर कॉपर एंड ब्रोंज। आयास जो था मेट को क्या कहते थे, कॉपर और ब्रोंज के जो सामान होते थे उन्हें आयास बोलते थे, ठीक है। ये वहां पे दो मेनली ये थे। फिर वैदिक पीरियड में एक 10 लोगों के युद्ध का जिक्र मिलता है, बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का है, जिसमें एक को भारत ट्राइब बोला गया था, ठीक है। ऑफ द पीरियड अपोज टू, एक भारत पीरियड थे जिसने जिसका 10 राजाओं ने विरोध, मतलब उसमें 10 राजा थे, जिसमें से 5 ऑफ आर्यन ट्राइब, 5 जो है आर्यन ट्राइब के थे, 5 नॉन आर्य थे, जिसमें से 10 में से 5 आर्यन थे और 5 आर्यन नहीं थे, नॉन आर्यन थे, ठीक है। भारत ट्राइब्स वीडेड बाय सुदास, ठीक है, जो भारत ट्राइब था उसको जो है हेड कौन करता था, सुदास थे, और जो कि बैटल एट द बैंक ऑफ रावी। तो भारत ट्राइब का जो यहाँ पे लड़ाई की बात की, जिसमें 10 राजाओं ने लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसमें 5 आर्यन थे और जिसमें 5 आर्यन नहीं थे, और आर्यन वाले का
का जो हेड था वो भारत ट्राइब था, और यहाँ रावी नदी के किनारे लड़ाई हुई थी जिसमें भारत ट्राइब युद्ध जीत गया था। ये इस तरह की बात ऋग्वेदी में कहा गया है। अब वहां पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीपल का इंटरेक्शन था, ये इसके बारे में सोशल कैसा था, किनशिप वाज द बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उनके सोसाइटी में राजा राजा जो है सोशल स्ट्रक्चर का मेन था। पीपुल गेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू ट्राइब विच आर कॉल्ड जन। कहने का मतलब जो भी लोग थे वो जन जो थे अपने कबीले के प्रति स्वामी भक्त होते थे, और उस कबीले का नाम जन होता था। द टर्म फैमिली कुल, फैमिली टर्म कुल जो है, कुल इज मेंशन एलियल इन द वेडिंग, मतलब जो परिवार होता था कुल संज्ञा दी जाती थी जिसको एयरली। आज भी इस तरह के गांव में मिलते हैं कि हाँ उस फैमिली के हैं, उस परिवार के हैं, तो कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर उस समय भी था। द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज इक्वल टू मैन, उस समय औरतों का कैसा था, वो औरतें जो है आदमियों के बराबर हुआ करती थी। दे रिसीव उपनयन एंड एजुकेशन, कहने के मतलब उन्हें शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, और वो वेद वेद पढ़ सकती थी। मोनोगमी वास स्टाब्लिश, मतलब एक ही शादी हुआ करती थी उस समय की बात। दो पोलीगमी एंड पोलिंड्री वेयर आल्सो नोन, कहने के मतलब उस समय जनरली लोग जो है मोनोगमी है, एक ही शादी करते थे, लेकिन यहाँ पे पोलीगैमी और पोलेंड्री दोनों था। पोलीगैमी मतलब एक आदमी जब एक से ज्यादा शादी करते हैं तो उसको पोलीगैमी कहते हैं, इसी तरह एक औरत एक आदमी से ज्यादा शादी करती है तो उसे पोलेंड्री कहते हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, पोलीगैमी और पोलेंड्री, मोनोगैमी, तीन चीजें, मोनोगैमी पोलीगैमी एंड पोलेंड्री। तो मोनोगैमी मतलब जब एक शादी आदमी एक ही शादी करता है तो उसे मोनोगैमी कहते हैं, जब आदमी एक से ज्यादा औरतों से शादी करता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं, और पॉलीगैमी का उल्टा अपोजिट पॉलिएंड्री है। तो अपोजिट पूछा जाए तो पॉलिएंड्री क्या है, लिंग के हिसाब से है। मोनो तो इसमें अगर एक औरत एक आदमी से ज्यादा शादी करती है तो उसे पॉलिएंड्री कहते हैं, जैसे राम महाभारत में द्रौपदी वाला केस है जिसने एक से ज्यादा आदमियों से शादी की थी, 5 पांडवों से किया था, तो उस केस को पॉलिएंड्री बोलते हैं। पोलीगैमी तो है एक राजा के 3-4 रानियां होना, ठीक है, मोनोगैमी जैसा कि एक आदमी की एक औरत होना, ये तीनों वर्ड थे। तो उस समय क्या था कि औरतों का स्टेटस अच्छा था, आदमियों के बराबर उनको सम्मान मिलता था, पढ़ी लिखी हुआ करती थी, ठीक है। लेवी रेट एंड लेवी रेट और विडो रिमैरिज प्रिवेल इन सोसाइटी, तो कहने के बदले लेवी रेट का मतलब यह हुआ कि जिसका तलाक हो जाए और जो विधो हो जाए, जिनके हस्बैंड की मर जाए, तो वो औरतें दोबारा शादी, उन औरतों की दोबारा शादी होती थी सोसाइटी में, उस समय ऐसा था। कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम के बारे में क्या, उसमें जाति व्यवस्था थी, तो कह रहे हैं नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इज फाउंड, उस समय जाति व्यवस्था का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में टुक डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एक ही फैमिली के लोग अलग अलग काम करते थे। नॉन आर्यन वेयर कलेक्टिव कार्ड दासास, पहले भी बोले कि नॉन आर्यन को दासास बोलते थे, दस्यु बोलते थे, द्रविडियन बोलते थे, तो उस समय कास्ट सिस्टम नहीं था, एक ही फैमिली में लोग अलग अलग व्यवसाय करते थे। ये वैदिक पीरियड, ये ऋग वैदिक पीरियड की बात की जा रही, अर्लियल वैदिक पीरियड की बात की जाए, बाद में इसमें बदलाव आने लगा। अब क्या है, अब हम बात करते हैं कि उस समय का साहित्य क्या था, उस समय के लिटरेचर क्या था। तो हम वेद तो था ही, वेद की हम बात कर रहे हैं तो मेन वेद ही थे। तो वैदिक लिटरेचर गिव अस इलेबोरेट नॉलेज ओवर द सब्जेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यन। तो हमारा क्या था, वैदिक जो लिटरेचर है, हमारा वेद साहित्य जो है, वो आर्यन लोगों के बारे में, उनके सामाजिक और आर्थिक के बारे में बहुत अच्छा सा विवरण मिलता है, ठीक है। वेद जो हमारे थे उस समय के बारे में बहुत अच्छा विवरण देते हैं। तो अब कह रहे हैं वैदिक लिटरेचर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो 4 वेदास थे,
मतलब वैदिक लिटरेचर को चार भागों में बांटा गया था। उसमें जो लिटरेचर थे, एक तो वेदास थे, वेदास भी चार भाग थे। उसके बाद क्या, ब्राह्मणीज थे। ये थोड़ा जान के रखिएगा कि वैदिक लिटरेचर किसको कहते हैं। तो वेदास, ब्राह्मीज, आरण्यक और उपनिषद थे। उपनिषद, ये सारे चार तरह के लिटरेचर। तो वेदास कौन कौन से थे? चार वेद थे। ब्राह्मण ब्राह्मण थे वेदास के बाद, ब्राह्मीन्स थे उसके बाद, आरण्यक थे, फिर उपनिषद। ये चारों अलग अलग तरह की किताबें थी, उस साहित्य थे। तो ये सारे चारों अलग अलग चीजें थी। तो वेदास के बारे में, चारों में से वेदास क्या थे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो वेदा वर्ड हैज बीन स्टेटेड फ्रॉम विद ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत का जो विद शब्द है उससे वेदास आया है, विच मीन्स टू हैव नॉलेज। वेदा का मतलब टू हैव नॉलेज। वेदा आर फोर टाइप्स। तो कहने का मतलब, वेद का जो मतलब था कि नॉलेज रखना, ज्ञान रखना, ठीक है, टू हैव नॉलेज, ऐसा वेद का मतलब है। और वेद चार तरह के थे, हमने पहले भी बात किया। एक ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, ठीक है, दूसरा, तीसरा हमारा ये सामवेद था, चौथा अथर्वेद था। चार तरह के वेदेश थे। अब यहाँ पे एक एक थोड़ा सा वेद, चारों वेदों में क्या क्या था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जान के रखना है। ऋग्वेद क्या था? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रा संग इन गॉड प्रेस। कहने का मतलब, ये मंत्रों का जो है संग्रह था, जो भगवान की प्रेस करने के लिए, भगवान को खुश रखने के लिए उनको ये पढ़े जाते थे। तो ये ऋग्वेद क्या था? मंत्रों का संग्रह था, जो भगवान की स्तुति करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए संग्रहित किए गए थे, बनाए गए थे। उसमें टोटल कितने थे? 1028 सूक्त थे, 1028 सूत्र थे, और उसको 10 भागों में, मंडल में डिवाइड किया गया था। जो ऋग्वेद को जो पढ़ते थे, सिंग करते थे, गाते थे, उसको कहा जाता होता, होत्रा। होत्रा तरह के व्यक्ति थे जो कि ऋग्वेद का को सुनाते थे, पढ़ते थे। तो रखने, ऋग्वेद क्या था? मंत्रों का संग्रह है जिसमें 1028 सूक्त हैं और उसके 10 भाग हैं, ठीक है। और उस ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो विद्वान थे उनको होत्रा बोला जाता था। तो ये दो तीन शब्द हैं, ये थोड़ा सा दो बार तीन बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब कह रहा, ऋग वेदा इज ओल्डेस्ट लिटरेचर, सबसे पुराना साहित्य। दे आर मेमोराइज बाई हैविंग हिंस आसुर का श्रुति। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है याद किया जाता था, उसको पढ़ पढ़ लोग याद करते थे, इसलिए इसको श्रुति बोलते हैं। सुन के जो है याद किया जाता था, ठीक है। अब क्या, गायत्री मंत्र जो है इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद। गायत्री मंत्र एक कभी कभी सुनने को मिलता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, इस तरह का जो ये मंत्र था वो ऋग्वेद में ही मिलता है। उसको सवित्री जो है को डेडिकेट किया था। सविती कोई देवता है, उन्हीं के स्तुति में, उन्हीं के लिए वह मंत्र बनाया गया था, ठीक है। पुरुष सूक्त इज आल्सो एसोसिएटेड विद ऋग्वेद। एक पुरुष सूक्त होता है, ये सारे वर्ड याद रखिए, बहुत पुराने वर्ड हैं, दो बार तीन बार याद करेंगे तो ध्यान आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, पूछ सकता है कि सभी वेदों में कौन सबसे पुराना है, या वेद वेदों में कितना सूक्त है, कितने मंडल हैं, ठीक है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, ठीक है, ये है। पुरुष सूक्त किससे एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें हैं। पुरुष, ये सारे वर्ड जो इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये सारे नए नए टर्म्स हैं, ये ऋग्वेद से संबंधित है, तो थोड़ा सा जान के रखिए, ठीक है। पुरुष सूक्त इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेदा, ठीक है, विच ओरिजिन इन विच ओरिजिन ऑफ फोर वर्ण इज डिस्क्राइब। कहने का मतलब, इसका पुरुष सूक्त है, वहां पे चार वर्ण, चार जो है समाज के चार वर्णों का जिक्र मिलता है। शुरुआत में तो नहीं था, लेकिन बाद में जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये चीजें, चार वर्णों का, चार जातियों का जो है इसमें मेंशन मिलता है।
पता चलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन विच वेदास या इन विच सूक्त जो है फोर वर्ण आर मेंशन्ड। तो ऋग्वेद के जो है पूर्व सूक्त में जो है चार जातियों का जो है शुरुआत में साक्ष्य मिलता है, उसका उसके बारे में बोला गया था। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद है, ठीक। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है। यजुर मीन्स यजन, यजना मतलब यज्ञ, ठीक है, यजना। इट हैज मंत्र एस एसोसिएटेड विद टाइप्स ऑफ यजना प्रोसेस। तो जो हमारा यज्ञ होते थे उस यज्ञ में किस तरह के यज्ञ किए जाएं उसके बारे में जो है यजुर्वेद में उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यजुर्वेदा इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री। यजुर्वेद जो है कविताओं के फॉर्म में भी था, प्रोज और पोएट्री के फॉर्म। पोएट्री और प्रोज मतलब गद्य और पद्य दोनों था, मतलब साहित्य में जो है पोएट्री भी कविताएं हुआ करती थी और लिखे शब्द भी थे। द सिंगर ऑफ यजुर्वेद मंत्र वास कॉल्ड क्या, अर्धवायु, ठीक है। इनको क्या कहा गया था, अर्धवायु। इसके गाने वाले को अर्धवायु कहते थे। उसको उसके उसको क्या बोला जाता था, इसको हम लोगों ने यहां पे देखा था होत्रा। इसको ऋग्वेद को होत्रा बोला, जो गाते थे होत्रा बोला गया, और इनको इसके गाने वाले को क्या बोला, अर्धवायु, ठीक है, अर्धवायु बोला गया। इट हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस यजास। तो इसमें कई तरह के यज्ञ का है, इसमें एक सोम यज्ञ की बात की है, राजसूय यज्ञ की बात किया गया और वाजपेय यज्ञ की बात की गई। तो इसमें कई यज्ञों के बारे में प्रोसेस है। इस यज्ञ को कराने वाले को अर्धवायु बोला जाता था उस आदमी को, और इसमें कई तरह के यज्ञों का जिक्र है, ठीक है। तो तीन तरह यज्ञ की बात, सोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। तीसरा वेद हमारा जो है सामवेद है। इसमें क्या है, 1869 मंत्र कहे गए हैं। सामवेद इज कंसीडर्ड फादर इ म्यूडियो मनी, ठीक है। ये भारतीय इन होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें जो है सामवेद को जो है एक म्यूजिक से संबंधित, ठीक है, म्यूजिक से संबंधित वेद है। तो इंडियन म्यूजिक जो हमारा आज की हमारे म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत वगैरह है, इन सब का जो है शुरुआत जो है सामवेद से मिलता है, ठीक। द सिंगर वास कॉल्ड उड गता, इनको उडगटा बोला गया, वहां होता बोला गया, अर्ध वायु बोला गया, इनको क्या गया, उगता बोला गया, इसको पढ़ने वाले को, ठीक है। तो ये हमारे म्यूजिक से रिलेटेड वेद को सामवेद बोला जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज एसोसिएट विद म्यूजिक। तो सामवेद को ध्यान रखिएगा, सामवेद जो है म्यूजिक से रिलेटेड है। और जो यज्ञ होते थे उसके प्रोसेस का यजुर्वेद से था, और वर्ण सिस्टम का आपका जो है ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे बड़ा भी ऋग्वेद है। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। चौथा जो है अथर्ववेद है, अथर्ववेद, ठीक है। इसमें तंत्र मंत्र के बारे में है, ठीक है। दिस वेद इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्म वेदास। तो इनको ब्रह्म वेदास भी कहते हैं। और कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज एसोसिएटेड विद तंत्र मंत्र। तो अथर्ववेद ए से याद रखिएगा, अथर्ववेद लास्ट में आता है, ए वर्ड पहले है लेकिन लास्ट में आता है ए। तो ये ध्यान रखिएगा आपका, ये अथर्ववेद तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, सामवेद म्यूजिक से है, और यज्ञों से रिलेटेड यजुर्वेद है, और ऋग्वेद शुरुआत वाला है। तो ये चार वेद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। चार वेदों का तो नाम आपको याद ही रखना है, उसके अलावा थोड़ा सा उसके बारे में और विस्तृत जानकारी रख लेंगे तो फायदा ही होगा, ठीक है। नॉलेज ज्यादा रहेगा तो अच्छा है। अब दूसरा, चार तरह की हम लोगों ने बात किया था। तो पहला वेद था, दूसरा ब्राह्मण था, ब्राह्मण्स थे, तीसरा आर्यन थे, चौथा उपनिषद था। तो अब क्या थे, ब्राह्मण क्या होते हैं, ये बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए।
दे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस। तो ये क्या करते थे उस समय जो आहुतियां दी जाती थी आसो रिजवानी, तो इसमें जो है उसके उनकी जो वेद में जो तमाम तरह के शब्द थे उनकी मीनिंग के बारे में ब्राह्मण में एक्सप्लेन किया गया। एक तरह से डिक्शनरी टाइप की चीजें थी, ठीक है, क्योंकि उसमें श्लोक थे, छोटे छोटे श्लोक थे, उसका बहुत बड़ा बड़ा मतलब होता था, बड़े बड़े मतलब होते थे, तो उस मतलब को समझाने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, ऋग्वेद को पढ़ने के लिए समझने के लिए ब्राह्मणी लिखे गए, उसका संग्रह था, ठीक है। दूसरा आरण्यक था, तीसरा आरण्यक, दीज ग्रंथ वेयर स्टडी इन द फॉरेस्ट, ये जो ग्रंथ थे वो जंगलों में सीखे जाते थे। दीज बुक्स आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शन, इसमें भी इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम रिचुअल टू फिलोसफिकल थॉट्स। कहने का मतलब आरण्यक क्या थे, ये जंगल में ऋषि मुनियों के बीच में जो बच्चों को पढ़ाए जाते थे उसमें समझाया जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, और इसमें जो धार्मिक क्रियाकलाप के अलावा वहां फिलोसफर बात है, उसके मतलब आत्मा परमात्मा की बात, इन सब बातों का जो है इसमें जिक्र मिलता है, ये मिलता है। तो कहने का मतलब ऋग्वेद पहले थे, उसको समझने के लिए ब्राह्मण थे, फिर और भी चीजों को और जानने के लिए उनका और शाब्दिक अर्थ समझने के आरण्यक समझाए जाते थे, फिर उसके बाद उपनिषद हुआ करते, दे आर द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो उपनिषद सम से वैदिक लिटरेचर के अंत में आते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड टू कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मास। तो उपनिषद ब्रह्मा के गॉड और आत्मा, भगवान के गॉड और आत्मा के बारे में बताते हैं उपनिषद। तो इस सत्यमेव जयते एक शब्द है, हमारा जो है सत्यमेव जयते, हम देखते हैं ना भारत सरकार के लोगों को नीचे लिखा रहता है, तो उसमें से यह सत्यमेव जयते, ये आपको याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते इस टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद, तो उसमें मुंडक उपनिषद है, ये ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद ये ध्यान रखिएगा, यहां से सत्यमेव जयते लिया गया था। उपनिषद कई हैं, ठीक है। तो हमारे चारों वैदिक लिटरेचर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी ली, एक वेद थे चार वेदों के बारे में, फिर दूसरा हमारा ब्राह्मण थे, तीसरा हमारा आरण्यक थे, चौथा उपनिषद थे। तो ये हमारे वैदिक लिटरेचर थे, ये इस लिटरेचर से उस समय के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में हर चीजें हमको जानकारी मिलती है, लिखे साक्ष्य मिलते हैं कि आर्य लोग कैसे थे, क्या क्या काम करते थे, ये सारे साहित्य जो लिटरेचर थे इसी से हमको जानकारियां मिलती थी।